इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। आज की शादी थी और अभी 8 बजे की बारात थी, तो इन्होंने इनका फ़ोन आया, बोला कि पापा भाई का कपड़ा नहीं आया और पापा को पूछा नहीं, पापा इनके है ही नहीं, 9 साल से इनको पापा इनके पापा छोड़ के चले गए। तो आज कल रात को इन्होंने कपड़े को लेके 5 लाख का डिमांड करा है इन्होंने, और मेरे भाइयों को भी मारा है इन्हें, धक्का दे के घर से बाहर निकाल दिया। कब हुई थी बातचीत आपको? कल रात को। नहीं, इससे पहले शादी की बातचीत कब? 3 महीने पहले 9 अगस्त। तो कोई इस समय तक कोई बात नहीं? उस टाइम कुछ भी बात ही नहीं हुई, इन्होंने डायरेक्टली कल डिमांड की है। क्या कारण मान रहे हैं इसका कि भाई दहेज मांग रहे हैं? हाँ, वो एक तरीके से दहेज ही मांग रहे हैं, पहले से मांग रहे हैं, डिमांड की। हाँ, पहले तो इन्होंने कहा था एक प्याले शरबत पे निकाह पढ़ा देंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी डिमांडें बढ़ती गई। और भी कुछ मांगा था? नहीं, पहली बार ये 5 लाख की। हाँ, मैं रात को 9 बजे बांसवाड़ा से आया था, तो यहाँ माहौल अच्छा खासा अच्छा माहौल खुशगवार माहौल था। यहाँ पर डीजे वगैरह चल रहा था लगा है, जो आप देख रहे हैं सब नाच गाने हो रहे थे यहाँ पर। तो अचानक 11, 11:30, 12 बजे मैं उठ के चले गया, सो गया। तो उसके बाद इस लड़की के पास वहाँ से इसके ससुराल से फ़ोन आया कि तुमने हमारे पापा का जोड़ा तो भेजा ही नहीं। तो इन्होंने कहा तुम्हारे जब पापा ही नहीं है तो जोड़ा कहाँ से देंगे हम तुम्हारे पापा का, तुमने हमें बताया ही नहीं कि हमारे पापा भी हैं, अब तुम्हारे पापा कहाँ से आ गए। तो फिर उस लड़के ने कहा, बोले हम कल बारात लेके नहीं आएंगे। उसके बाद इनके पापा की आवाज़ सुन के चिल्लाने की, मैं नींद में से उठ के आया, मैंने शमशेर भाई क्या बात होगी, बोले इनायत भाई चलो यार मामला बहुत गंभीर हो गया, और बोले वहाँ चल के बात करते हैं। फिर रात को हम लोग 1:30 बजे करीब उसके घर गए, मैं था, मेरा भतीजा था, मेरा लड़का था, दोनों भतीजे थे, भांजा था, और इसकी बुआ थी लड़की की। तो हम लोग 7-8 जने उनके घर गए, घर जाके हमने बातचीत करी, हमने कहा भाई क्या बात हो गई ऐसी, जो मैंने कहा, बोले हमारे यहाँ तो शादी का माहौल था, अभी देखो मातम हो रहा। तो मैंने कहा भाई मातम क्यों हो रहा, शादी का माहौल है, शादी के माहौल में रखो बरकरार, मातम किस बात का, मैंने कहा ज़रा सी बात को लेकर किस बात का मातम मना रहे हो। बोले नहीं हमने 5 लाख रुपए लगाए। तो मैंने कहा 5 लाख रुपए लगाए तो इससे क्या 5 लाख रुपए वसूल करोगे क्या आप? तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा जी मैं मकान मालिक हूँ, मेरे यहाँ पर ये बच्ची इतनी सी आई थी, 2 साल की थी जब, और मेरे घर पे ही बड़ी हुई है ये बच्ची। मैंने कहा मैं मकान मालिक हूँ। तो मेरा भांजा बोले, वो जब बीच में बोला तो उसकी लड़के की मम्मी ने कहा तू कौन है? तो उसने कहा मैं इसका भाई हूँ, मेरा भांजा बोला। बोले सगा भाई है? बोले हाँ। बोले सगा भाई है? बोले हाँ। तो उसने कहा बोले आपा मेरी बात सुनो। तो बोले डोंट टच माई बॉडी, डोंट टच माई बॉडी, इसकी मम्मी कहने लगी। और वो माहौल एकदम वहाँ पे तो इस तरीके से हो गया कि बस पूछो मत, मारा पीटी वाला हाल हो गया। मैंने मेरा वहाँ मैडम थी सराधना की हैं वो, तो मैंने उनको बोला, मैंने ऐसी इस तरीके से मैडम ऐसी बात हो गई और हमें मुकदमा दर्ज कराना, बेचारी वो कागज़ लेकर आई, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमारे को कहा, बोले कि आप रिपोर्ट लिखो। मैंने बैठ के खुद ने अपने हाथ से रिपोर्ट लिखी, लिखने के बाद उन्होंने दस्तखत कराए, लड़की को भी वहाँ ले गए थे हम साथ, इसके दस्तखत करा के उन्होंने कहा ऐसा करो आप सुबह 10 बजे यहाँ आ जाना, और SHO आएंगी, फिर उसके बाद में बात करेंगे। तो मेरा 10 बजे जाना नहीं हुआ, मैंने लड़की के पापा को भेजा, तो उनने मैडम ने कहा, बोले हमारे यहाँ पर ये मुकदमा आपका दर्ज नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि लड़की की शादी नहीं हुई थी, इसलिए दहेज का मुकदमा हमारे यहाँ पे। मैंने डिप्टी साहब से भी बात कर ली और मैंने सबसे बात कर ली, हमारे यहाँ नहीं हो सकता, और ये धोखाधड़ी का मुकदमा गंज थाने में इसके खिलाफ दर्ज होगा। हमने गंज थाने में वो एप्लीकेशन अभी दी, तो CI साहब कह रहे हैं, बोले साहब इस पर तो बताओ क्या, वो लड़के वाले को फ़ोन करके बुला लिया, लड़का भी आ गया, तो लड़का कह रहा साहब हमने तो मना ही नहीं करा, हम तो शादी करने तैयार है।
और बोले रही बात मेरी माँ की, तो मेरी माँ का तो हमारे पास सर्टिफिकेट है पागल का। तो मैंने कहा यार कल को तो तुम ये डिमांड कर रहे हो, कल को लड़की को ले जाके मार दोगे और सर्टिफिकेट पेश कर दोगे। बोले मेरी माँ तो पागल थी। तो यहाँ बारात आई, मैंने कहा ये बारात आनी थी अभी, अब वो आई नहीं बारात ना थाने में, वो तो लोग तो थाने में अभी आके, और वो सीआई साहब ने उनसे कह दिया, बोले आप लिख के दे दो कि हम बारात ले जाना नहीं चाहते। उनसे भी लिखवा के ले लिया और इनसे कहा तुम लिख के दे दो हम शादी करना नहीं चाहते। तो इन लड़के के पापा ने लिख के दे दिया, बोले भाई मैं इस लड़के से डिमांड कर रहा तो मैं शादी कैसे करूँगा। अब इनको थाने वालों को चाहिए कि मुकदमा दर्ज करें उसके खिलाफ। तो अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अभी मैं निकल रहा था तो गोपाल सिंह दीवान ने मेरे को कहा, बोले रुक जाओ आप नेताजी दो मिनट, बोले सीआई साहब आ रहा है उनसे बात करके जाना। मेरा नाम सैयद इनायत अली है। ये मामला था, सईद रफीक अली नाम का लड़का है जो नागफणी में रहता है, उसकी 19 अगस्त को सगाई तय हुई थी जनकपुरी में और 25 नवंबर की शादी तय हुई थी। आज बारात आनी थी इनके यहाँ, लेकिन कल रात को इनको किसी बात को लेकर या कोई पैसे की मांग को लेकर आपस में कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद लड़के पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया। लड़के पक्ष द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जांच की जा रही है। कोई डिमांड की बात आ रही है सामने, डिमांड की गई है तो उस पर भी कुछ? हाँ, इन्होंने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए की मांग करी है, उसकी तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग।